तो हम पहुंच चुके हैं मानेसर के टोल पे और यहाँ रुके हैं क्योंकि सारे राइडर सब इकट्ठे हो जाए, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। सभी राइडर पीछे बाइक से आ रही है और पाजी भी आ गए हैं और यदु भाई पीछे रह गए हैं, वो थोड़ा और आराम से चलते हैं। अब ये बाइक्स यहाँ इकट्ठी हो गई है तो अब जैसी आती है फिर चलते हैं यहाँ से। बाकी बाइक्स भी आ गई है, यदु भाई की H2 आ गई है, 650 है साथ में, और बाइक्स आ रही है, फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से आगे मिलते हैं। तो आज है हमारे साथ टोटल 7 बाइक्स हैं, एक हार्ले डेविडसन भी है और 1 2 3 4 5 6 7 बाइक्स है टोटल। हार्ले डेविडसन फैट बॉय है, काफी अच्छी लग रही है और काफी मजा आ रहा है राइड करके आज। ओए आवाज वाजो ने मार दिया, चले ना चले तेज कोई दिक्कत नहीं है, एग्जॉस्ट चेंज कराना पड़ेगा बाबा, एग्जॉस्ट चेंज कराना पड़ेगा, जल्दी क्लेम क्लियर कर दो भाई, जल्दी पार्ट्स लगा दो। आज का ब्लॉग मस्त होने वाला है यार, मस्त एकदम झकास, बहुत बढ़िया उच्च कोटि के विचार, साथ में S1000RR, क्या बात है क्या बात है। तो 7 बाइक्स के साथ आज हम कर रहे हैं राइड। नाम तो बहुत सारों ने लिखवाया था, हो सकता है वो डायरेक्ट आए लेट हो गए हैं, काफी सारे लोग, जलज भाई भी नहीं आए तो पूछते हैं जलज भाई को फोन करके कहाँ रह गए भाई। एक्चुअली अभी ना मैं से पाजी पूछ रहे थे, कहते तुम तो 120 चलाते हो 115 चलाते हो, ये क्या चक्कर है भाई, तुम अभी ये 130 कैसे चला रहे हो। तो भाई आपने कहावत सुनी होगी, शराबियों के दो ही ठिकाने, एक तो ठेके दूजा थाने। तो ठेका तो मार लिए, वाइल्ड विंग राइडर है कैसे, क्योंकि यार नशा चढ़ता है भाई राइडिंग का नशा, और थाना है वहाँ स्टैलियंस में, कैसे वहाँ डंडे पड़ते हैं तेज चलाने के, रूल तोड़ने के लिए। अरे भाई क्या कार है यार, जैगवार और नंबर भी बड़ा पसंदीदा है, 0001, ओए 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 ओए, वन ऑफ माय ड्रीम कार। एक दिन मैं इसमें बैठा था, पता है कितने की, 1,14,00,000 रुपए की गाड़ी है, XJL, मैं इसमें बैठा हूँ यार, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 150 तक तो बाइक कुछ भी नहीं कहती, 150 तक आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी है, जैसे पिछली बार मैंने भगाई थी, लेकिन बस देखने वालों को थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को भी डराना नहीं चाहता 200 पे करके। तो अभी तो मैं आराम से ही चलाऊंगा क्योंकि फैमिली के मेंबर्स काफ़ी डर जाते हैं, और फैमिली मतलब यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स भाई, घर की फैमिली को तो वो तो देखते नहीं, अच्छी बात है। टेंशन फ्री काम रहता है अपना, एग्जॉस्ट चेंज हो जाएगा तो भगाने की नीड नहीं है, फिर थोड़ी स्पीड में ही बहुत तेज आवाज आएगी तो मजा आएगा बाइक का। तो भाई जैसे ही पार्ट्स चेंज होते हैं उसके बाद एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं। अब यहाँ से पाजी यू टर्न लेने को कह रहे हैं, अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं, पाजी आ जाए, पाजी कितने रह गए, अच्छा वो हार्ले डेविडसन वाले भी पाजी बड़े पीछे रह गए हैं, मोहित भैया, और वही रुकते हैं चल के और अपनी 20 कुछ ऐसी दिखती है, और ये Z900 650 और ये भाई की H2, क्या हाल है, ठीक हो, चलो। और मोहित भी अभी आ गए, पाजी भी आ गए हैं, तो चलते अब रेडिसन की तरफ, राइड यहाँ से वापसी की तरफ ले रहे हैं, डेस्टिनेशन पे पहुँच के पिक्स लेंगे। तो यहाँ करीबन रुक गए थे 10 मिनट क्योंकि दिलप्रीत पाजी की आँख में कुछ चला गया था, पानी की बॉटल ली, आँख में पानी मारा लेकिन फर्क पड़ा नहीं, हो सकता कोई घाव हो गया हो। अब यहाँ से निकल रहे हैं वापसी की तरफ है, अब यहाँ से हमने अभी यू टर्न लिया, आपने देखा होगा, चलो जी चलो।
सब रोर करते हुए जा रहे हैं सभी, और रेडिसन जाएंगे सीधा, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे घर की तरफ। और मैंने जाना है आपको बताया जाए एक शादी में गुरजोत भाई की, और वहाँ पे भी टाइम से पहुँचना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे भी सब राइडर्स इकट्ठे जाएंगे प्रीतवियर पेट्रोल पंप से। एक्चुअली उद्योग यार का रेडिसन भी मैंने नहीं देखा है, तो पता नहीं है कहाँ पे जाके है, फिर भी चल रहे हैं भाई। उच्च कोटि के विचार और अपनी S1000RR, अपनी निंजा 1000, लेना मर गया पुत्र लेना। उच्च कोटि के विचार और अपनी निंजा 1000, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ट्रैफिक बहुत है भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा रेव करते हैं और ट्रैफिक आ जाता है। ज़्यादा बाइक्स नहीं है, सिर्फ 7 बाइक्स हैं, लेकिन फिर भी एंजॉयबल। विचार बन रहा है मेरे ख्याल इनका मिनी मारने का, और बीच में गाड़ी वाले अंकल घुसते हुए स्पोर्ट्स मोड में कर दिया अभी मैंने, और पिकअप में काफ़ी फर्क पड़ जाता है स्पोर्ट्स मोड में डाल के। बात है फुल पावर, फुल पावर। स्पोर्ट्स मोड में आते तो उड़ने लगी भाई, भाई साहब स्पोर्ट्स मोड में क्या बात है, अनकंट्रोलेबल पावर। तो इसको मैंने स्पोर्ट्स मोड में जैसे ही करा, भाई साहब बाइक तो नीचे से निकलने लगी, नीचे से, क्या बात है रे बाबा। आवाजें आ रही है कहाँ से आ रही है, ये गई H2। हल्का सा थ्रॉटल देते ही फुल पावर, ये पहुंच गए हम रेडिसन में, रेडिसन ब्लू। आज यहाँ है ब्रेकफास्ट, यहाँ लगा देते हैं। पहुंच गए हैं रेडिसन के बाहर, और सारी बाइक का लाइनअप हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं सारी बाइक्स का लाइनअप। स्विच ऑफ कर दूं भाई मैं भी, तो भाई एंजॉय करते हैं, अंदर चलते हैं। और पहुंच गए थे हम अपने डेस्टिनेशन पे, और बाइक्स खड़ी हैं बाहर, आपने देखा अभी थंबनेल भी, आपको पता लग ही गया संडे को हमने कितना एंजॉय किया। चलते हैं अंदर। भाई कुल मिला के सीन अब कुछ ऐसा है कि अभी हो गए 10:15 और यहाँ से निकलने लगे हैं अब सारे ब्रेकफास्ट करके आगे। मैं क्या पहले मैं लोगों का खुद मजाक उड़ा रहा था, अबे क्या लग रहा है जो भी कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी निकले हैं, सब रेडी हो रहे हैं, कोई फोटो शूट करा रहे हैं, कोई स्टोरी डाल रहे हैं इंस्टा पे, बाइक्स खड़ी हुई हैं। ये तो भाई हो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे होगा फोटो शूट। तो भाई साहब जहाज स्टार्ट हो चुका है और इतना गूंज रहना, यहाँ पे सारे परेशान हो चुके हैं, क्या बात है क्या बात है। अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, और लुक देखो दोनों की कैसी सेम लग रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से निकलने लगे हम घर की तरफ, अब यहाँ से चलने लगे हैं घर की तरफ। और होप करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और शेयर कर देना मेरी वीडियोस। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं आपको किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, दिस इज योर दोस्त दीपक छाबड़ा, ओके बाय बाय। जुड़े जमीन से आसमां पे रखे पैर, पहले तेरी मेहनत फिर होती रब दी मेहर।